अभी मैं ये लिख रही थी तो मुझे मन में आया क्यों ना इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए और हमारे ग्रुप पे भेजे तो ऑनलाइन टीचिंग के काम आ जाए। ठीक है, अब देखो हमने पहला पार्ट पढ़ा है उसका हम टेस्ट ले रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा नहीं भी आया तो इस टेस्ट के ऊपर इसी में छुपे हैं कैसे निकाल सकते हो, सीखे इस बात को। ये जो टेस्ट है हमें एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से पुरलिंग के रूप भरने, अब रूप किसके है, लिंग कौन सा हमारा पुरलिंग, तो अगर सिर्फ पुल्लिंग है और शब्द कैसा है अकारांत, अकारांत मतलब मैं अभी समझा रही थी कि वो अक्षर जिसके पीछे कोई मात्रा नहीं, ना तो ऊ है ना ई है, कोई मात्रा नहीं है पीछे, ठीक है, कौन सा हो गए अकारांत शब्द जिनके पीछे मात्रा, जिनके पीछे मात्रा ना हो क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती, तो रहे ना, ना, मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि मुझे भानु का रूप चाहिए, भानु में तो ऊ की मात्रा है, तो बिना मात्रा वाले जितने भी पुरलिंग शब्द हैं, चाहे नरे हो गजे हो मृगे हो वानरे हो बालके हो, है ना, ये सारे एक जैसे चलेंगे, एक जैसे चलेंगे। अगर कोई बच्चा कह रहा था मुझे याद नहीं, तो अगर हमने एक याद कर लिया बालके बालकहु बालका, या हमने नरे नरो नरा, अगर हमने एक याद कर लिया तो हम सारे उसी में फिट कर सकते हैं, तो टेस्ट इससे आसान टेस्ट नहीं हो सकता। अब देखो मैंने नरे लिख दिया, द्विवचन छोड़ दिया, बहुवचन लिख दिया, इसमें मैंने द्विवचन लिख दिया, एक वचन छोड़ दिया, बहुवचन छोड़ दिया, तो जो समझदार बच्चा है वो कर पाएगा कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, खुद ही आइडिया लेगा, क्योंकि मैडम बार बार कह रही है सारे एक से चल के, एक से चल के तो आराम से बना पाओगे। ऐसे मृगे है तो मृगे का मैंने ये लिख दिया, अच्छा ये प्रथम विभक्ति में है, यानी जब ये कर्ता होंगे कारक पढ़ोगे ना जब, तब जाओगे जब ये ने यानी कर्ता के रूप में जब ये लगेंगे, जब ये कोई काम कर रहे होंगे तब ये वाला रूप हमारा चले, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा टेस्ट तुम्हें देना है इसी में स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग में क्या चलता है, जो लड़की है जिसके पीछे मात्रा है जैसे रमा लता अजा बालिका है शिक्षिका, जिनके पीछे एक मात्रा है वो वाला नाम जिनका, ठीक, तो वो लड़की के लिए जैसे मैंने लिखा बाली का, ठीक है, तो बहुवचन में क्या और एकवचन में, द्विवचन में क्या और बहुवचन में क्या, ठीक है। अगर मैंने यहां लिख दिया शिक्षिके द्विवचन में तो वही चीज तो ऊपर नीचे एक जैसे चलनी है, तो आइडिया निकाल दोगे। अगर मैंने तीसरे रूप में बहुवचन भर दिया अजा बकरी तो बना पाओगे, देखते हैं टेस्ट में कितना बना पाएंगे। अच्छा अब ये हमें लेना है नपुंसक लिंग, तो तीनों लिंगों का प्रथम विभक्ति में हमें रूप जो है चाहिए। अब इसमें मान लो हमने याद किया है क्या फलम, तो वैसे ही कमलम पुष्पम सारे एक जैसे चल रहे हैं, तो देखे बहु कितनों ने याद किया है, उत्तर इसी में से छांट सकते हैं जो बच्चे होशियार हैं या रोज आ रहे हैं या आइडिया लगा लेंगे, तो बिल्कुल भी ये टेस्ट मुश्किल नहीं है, इतना तो संस्कृत में याद करना ही चाहिए। अगर बहुवचन है और मैंने एक शब्द का बहुवचन लिख दिया तो अन्य शब्द का बहुवचन आइडिया से बना सकते हो, ठीक है, खुद पहचानोगे इसका बेसिक शब्द क्या है, तो यहाँ क्या आना चाहिए वहां क्या आना चाहिए, इसका बेसिक शब्द क्या है यहाँ क्या आना चाहिए वहां क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये टेस्ट करेंगे और इसके अलावा कौन शब्द के तीनों वचन और तीनों रूप टेस्ट में